नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों बात उन दिनों की है जब हम हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाएं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसे पूरे देश में मनाया जाता है। आज के दिन स्कूल विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं हिंदी दिवस के ऊपर, ताकि हिंदी भाषा की महत्ता बरकरार रहे। दोस्तों 1949 से पहले, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले हिंदी को हिंदी भाषा बनाने की जद्दोजहद नहीं की गई। बहुत सारे हिंदी के साहित्यकारों ने इसे हिंदी को राजभाषा बनाने की जद्दोजहद की। इसके अलावा हमारे देश के महात्मा गांधी ने हिंदी को तो जनमानस की भाषा भी कही, और इन्होंने भी हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कहा। 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा एकमत होकर हिंदी को हिंदी दिवस मनाने के लिए एकमत निर्णय लिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी की महत्ता को देखते हुए 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाने के लिए ऐलान किया। हिंदी राजभाषा का जब दर्जा मिला और आज के दिन ही हिंदी दिवस मनाए जाने का इसे जब ऐलान कर दिया गया, तो पूरे देश में जहाँ की अंग्रेजी की बहुत सारी बोलचाल है, जिसमें अंग्रेजी में ही हम अधिकांशतः बात करते थे या जो भी है, और अभी भी है ये चीज़ बरकरार है, लेकिन आज 14 सितंबर के दिन हम सभी लोग स्कूलों विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए हिंदी की महत्ता जनमानस में फैलाते हैं। तो आज मेरा वीडियो जो है हिंदी के ऊपर ही है। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कहानी क्या है और हिंदी की क्या महत्ता है।